नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं इस पिक्चर के ऊपर, ये पिक्चर क्या है भूल है, ये बीएससी बिल्डिंग के सेकंड गेट में है। और ये जब भी गेट खुला रहता है लोगों के अंदर मिथ है कि मार्केट क्रैश होता है, और ऐसा एक्चुअली भी हुआ है 3 बार। पहली बार हुआ था 1992 में, जब हर्षद मेहता के स्कैम से कुछ दिन पहले ये गेट ओपन हुआ था और मार्केट क्रैश हुआ था। और दूसरी बार ओपन हुआ था आपका 2001 में, जब बिल क्लिंटन US विजिट से आए थे इंडिया को विजिट करने के लिए, तब ये गेट ओपन किया था उनके लिए। और 2001 में भी क्रैश हुआ था, और 2008 से पहले भी ये गेट ओपन किया गया था। तो ये मिथ है या एक्चुअल है, इसको जानने के लिए हमने थोड़ा सर्वे किया, तो हमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला। स्टॉक मार्केट क्या होता है ना, जो कुछ भी न्यूज़ आता है वो न्यूज़ सबको ड्राइव करता है। इसके ऊपर हमने एक कहानी पढ़ी, तो वो कहानी कुछ इस तरह थी कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि ट्रेजरी अभी खाली है, जो होता है राजकोष वो अभी फिलहाल खाली है, तो हर कोई थोड़ा थोड़ा दूध दान करे ट्रेजरी में। हर रात को हर कोई एक एक ग्लास, एक बड़ा सा मटका रख दिया, उसमें सब डोनेट करेंगे, तो वो उस पैसे से आने वाले समय में कुछ अच्छा काम किया जा सकेगा देश के लिए। तो कुछ दिन के रात में जब मटका रखा गया, उसके अगले दिन सुबहरे देखा गया तो मटके में पूरा पानी भरा था और एक बूंद भी दूध नहीं था। तो अकबर ने कहा, अरे ऐसे कैसे हुआ, किसी ने भी दूध नहीं दिया क्या, तो चलो पता करते हैं। तो जाकर बीरबल ने सेनाओं को लेकर जाके पुष्टि किया, तो तब पता चला कि एक इंसान ने र्यूमर बनाया था कि अगर सब दूध डाल रहे हैं, कोई एक उसमें एक गिलास पानी डाल देगा तो पता नहीं चलेगा, तो उसका पैसा बच जाएगा। तो ये र्यूमर इतना फैला कि हर कोई एक एक गिलास पानी लेके गया अपना दूध बचाने के लिए, और सवेरे तक किसी एक ने भी दूध नहीं डाला था। उसी तरह ऐसा ही होता है, जब मार्केट ओपन रहता है तो ये र्यूमर बहुत ही तेज़ी से फैलता है, और इसी तरह लोग सारे बेचने लगते हैं और मार्केट क्रैश होता है। तो इस गेट का जो मिथ था लगभग आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।